नमस्कार, सच को हिंदी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिनेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट किया दाखिल, जिसमें बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के 11 मार्च के निर्देश के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी उपलब्ध जानकारियां चुनाव आयोग को दे दी गई हैं। जबकि एसबीआई चेयरमैन ने कहा कि हमने ईसीआई को पेन ड्राइव में दो फाइलें दी, एक फाइल में बॉन्ड खरीदने वालों की डिटेल जबकि दूसरी ड्राइव में खरीदने की तारीख और रकम का किया गया जिक्र। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने नारी न्याय गारंटी योजना का किया वादा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने सोशल मीडिया पर इसका किया ऐलान। इसके तहत कांग्रेस गरीब महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए की मदद देगी। साथ ही कहा गया कि सरकारी नियुक्तियों में महिलाओं को आधा हक दिया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस ने 5 योजनाओं का भी किया ऐलान। देश में तीसरी सबसे अधिक आबादी वाले शहर बेंगलुरु में गहराया जल संकट। इस कारण यहां रहने वाले करीब 1.4 करोड़ लोगों में से एक बार वैकल्पिक समाधान तलाशने के लिए हो रहा मजबूर। कई लोग शहर से पलायन करने को मजबूर। जल संकट को लेकर सरकार भी चिंतित, समाधान के लिए बैठकों का दौर जारी। राजस्थान के बीकानेर में जमीन फर्जीवाड़े का मामला आया सामने। पिछले 5 साल में 6,000 बीघा जमीन फर्जी लोगों के नाम की, जिसके कारण सरकारी खजाने को करीब 300 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। वहीं फर्जीवाड़े में तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारियों की भूमिका शामिल। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जाँच। राजस्थान लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीकानेर से पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल को बनाया उम्मीदवार। ये पहला अवसर होगा जब दोनों नेता आमने सामने होंगे। इससे पहले कई बार गोविंद राम केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघालय को दे चुके चुनौती। गोविंद राम के टिकट की घोषणा देर शाम को की गई, जिसके बाद चुनावी हलचल हुई तेज। आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पंजाब सीएम भगवंत मान ने लुधियाना पुलिस लाइन में सभी पुलिस अधिकारियों की ली मीटिंग। इस मौके पर सीएम मान ने अधिकारियों को 3 मुख्य बिंदुओं पर काम करने की दी हिदायत। सीएम ने साफ कहा कि चुनाव में नशा तस्करी का हो सकता है अंदेशा, कई बड़ी मछलियां इस तरह की करेंगी कोशिश, इन पर की जाए सख्त कार्रवाई। लोकसभा चुनाव को लेकर पंजाब में अब राजनीति ने पकड़ी रफ्तार। पंजाब के पटियाला से सांसद और पूर्व कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर बीजेपी में होगी शामिल। सूत्रों से पता चला है कि बीजेपी परनीत कौर को पटियाला से मैदान में उतारेगी। परनीत कौर बीजेपी के लिए पटियाला से एक स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार के लिए करेगी काम, क्योंकि उनकी पटियाला में है अच्छी पकड़। किसान आंदोलन 2 का आज 1 माह हुआ पूरा। किसान हरियाणा पंजाब के साथ शंभू और खनोई बॉर्डर पर लगातार डटे। किसान नेता सरवण सिंह बदेर ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा द्वारा किया जाएगा बड़ा ऐलान। इस ऐलान के बाद पंजाब और केंद्र सरकार की हिलेगी सियासत। हरियाणा में नए सीएम नायब सैनी की सरकार फ्लोर टेस्ट में हुई पास। विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पास किया गया। इस पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सीक्रेट वोटिंग कराओ, लेकिन स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ है। इसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए की गई स्थगित। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूटने के बाद जसपा ने हिसार में की नव संकल्प रैली। इस मौके पर दुष्यंत के रैली में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं में देखा गया भारी जोश। इस मौके पर पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर सादे निशाने, बोले गठबंधन टूटने के साथ कुर्सी खट्टर साहब की भी गई। सच कहूं हिंदी न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सच कहूं हिंदी चैनल।